सर, मेरे ख्याल में माशी मुश्किलात का जो नया चैलेंज है वो निगरा सेटअप के लिए कितना खतरनाक और टेंशन वाला होने लगा है, ये मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए हमें हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं आज। जी बिल्कुल उनसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। उनसा मुझे ये बताइएगा कि क्या हालात और क्या रहने वाले हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी बड़ा जबरदस्त जो है फहीम का सवाल था कि निगरा सेटअप केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है और उनके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे। अब कार्ड तो बड़े खतरनाक से आए हैं बल्कि बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। इसमें फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जैसे पास्ट की बात करें कि पास्ट में काफी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन नजर आ रही है। तो ये अगर आने वाला जो सेटअप है उसको भी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड बहुत समझदारी वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर ये प्रैक्टिकल फैसले करेंगे, अगर दिमाग से सोचेंगे और मुल्क के मफाद के लिए जो है काम करेंगे तो होगा, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हो या हर लिहाज से अगर हम देखें। सही, चले जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है लेकिन अल्लाह करे के बड़ा हिकमत के साथ इन चैलेंजेस को फेस किया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। उनसे होरोस्कोप की तरफ आते हैं, उनके लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। आने वाला जो अभी स्टार्ट हो रहा है, आज मंडे है और एरीज की बात करते हैं, एरीज वालों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एम्प्रेस का कार्ड है, बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है और इसमें मुझे जो है जिस काम में भी एरीज वाले हाथ डालेंगे, अगर शादी करते हैं तो भी मुझे अच्छे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फाइनेंसेस कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब में तरक्की नजर आ रही है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है। टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए थोड़ा फोकस की जरूरत है, जो भी काम करना चाह रहे हैं, अगर शादी की भी बारे में सोच रहे हैं या कहीं जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो फोकस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड न्यूज आ सकती है टॉरस वालों के लिए, अगर कहीं जॉब अप्लाई की है, इंटरव्यू दिया है, प्रपोजल आ सकता है टॉरस के लिए। और जेमिनाय वाले थोड़ी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है जेमिनाय वालों की, लेकिन मतलब मुझे थोड़ी सी रुकावटें इनके कामों में हो सकती है, लेकिन रुकावटें एनर्जी नजर आ रही है। और शादी के बारे में भी अगर सोचते हैं, रिश्ता भी आता है तो जैसे काम जैसे अटक अटकते होगा। कैंसर के लिए भी मुझे थोड़े से ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, वक्ती ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि वक्ती तौर पे उनका काम नहीं होगा, ऐसा फील होगा कि काम नहीं होगा, लेकिन आगे जाके वो काम हो जाएगा। कुछ एक टेम्प्रेरी एनर्जी है, जैसे शादी के हवाले से हो, लव लाइफ के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार रहेंगे कैंसर। कैंसर के बाद लियो है, लियो वाले की अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, लियो वालों को थोड़ा उनके आसपास नेगेटिविटी है तो उनको मतलब उन जरा लोगों से अपनी बातें, पर्सनल बातें शेयर ना करें तो बेहतर है। अदरवाइज मुझे लगता है कि चीजें लियो वालों के लिए इस हफ्ते बेहतर रहेंगी। गीबत नहीं करनी है लियो वालों को, ठीक है आगे गीबत नहीं, शेयर नहीं करें अपनी पर्सनल बातें, अपनी बातें नहीं करनी तो अपनी बातों में कोई ना कोई तो इन्वॉल्व भी होगा, लेकिन फला ने मेरे साथ ये कर दिया, फला की कीमत नहीं, वो अपने बारे में सोचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेलसी, हसद, इस तरह की चीजें बहुत नजर आ रही है लियो वालों की लाइफ में। लियो के बाद वर्गो के पे आते हैं, बहुत बिजी रहेंगे वर्गो वाले ये हफ्ता, बहुत क्रिएटिव कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है, बिजनेस स्टार्ट कर लें, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। प्लानिंग करते हैं वर्गो वाले लेकिन काम नहीं करते हैं, मतलब उस प्लान पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये वक्त है एक्शन लेने का, बिल्कुल काम। हमें लग रहा है वर्गो वाले हमारे ऑफिस में बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं। ओके, लिब्रा वाले जो है किसी दोस्त को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपका एक्स है, कोई आपकी कोई दोस्त है उसको मिस कर रहे हैं, पुरानी यादें इनके जहन में बहुत ज्यादा आएंगी लिब्रा वालों के लिए। शायर बन गए लिब्रा वाले। हाँ, खर्चा इनका जो है बढ़ सकता है इस हफ्ते, लिब्रा के लिए पैसे खर्च हो सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग या घर में गेस्ट आ गए या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें उनका खर्चा बढ़ सकता है। स्कॉर्पियो वालों
बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स इंटरेक्शन नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन, जो लोग लव लाइफ में ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही है, नाराजगी हो गई है, दोबारा पैचअप हो सकता है, दोबारा कम्युनिकेशन हो सकती है। फाइनेंशियली कारोबार के हवाले से भी लोगों के साथ मुलाकातें, बिजनेस मीटिंग्स बहुत सारी होंगी, रुके हुए काम भी होंगे या नहीं? बोले स्कॉर्पियो वाले बोले, बातचीत होगी तो काम होंगे ना। हाँ। तो कम्युनिकेशन के बाद ही काम होता है, यानी बैलेंस लोड करवा लें स्कॉर्पियो वाले, बैलेंस लोड करवा लें, कम्युनिकेशन का वक्त आ गया है, 30 रुपए का बैलेंस लोड कर दें जी। स्कॉर्पियो के बाद है सजिटेरियस, उनकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई ख्वाहिश है उनकी, चाहे शादी के हवाले से, लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोजल आ सकता है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब मिल सकती है, पैसा उनका जा रहा है। सजिटेरियस वालों का खर्चा इस हफ्ते भी ज्यादा होगा सजिटेरियस वालों का, लेकिन पॉजिटिविटी नजर आ रही है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी जो हैप्पीनेस नजर आ रही है आने वाले हफ्ते में, शादी, आपकी घर में फैमिली की शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, किसी दोस्त की शादी की तकरीब में जा सकते हैं। आप कल ही गए थे पर लेट हो, एक दिन लेट हो गया हमारा और कार्ड जो है कल ही गए थे तो कैप्रिकॉर्न वाले जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम अगर करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बैरूने अगर कोई वीजा वगैरह इमिग्रेशन अप्लाई की है तो वो भी बहुत अच्छा है, बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई दोस्त उनकी हेल्प कर सकता है, किसी काम में अगर फंसते हैं तो किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं, या कोई फैमिली मेंबर है वो भी हेल्प कर सकते हैं। मैं से मदद लूंगा। हाँ, एक्वेरियस वालों के पास पैसा आएगा इस हफ्ते, पैसा काफी, जो आपने काफी टाइम से जो आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट किए प्रॉफिट हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी अगर सेल करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रपोजल आ सकता है, लव मैरिज के काफी चांसेस हैं एक्वेरियस वालों के। पाइसेस वालों को थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और अगर काफी टाइम से तो बहुत ज्यादा बिजी थे आप, तो अब थोड़ा सा आपको जो मेडिटेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त है, पीस ऑफ माइंड आपके लिए, जो भी ऐसा काम करे जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं, वो जरूर कीजिए। कहीं सफर पे चले जाइए, किसी दोस्त के साथ मुलाकात कर लीजिए, तो पाइसेस वालों का भी अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन काम थोड़े उनके स्लो चलेंगे आपस में शादी या सेटिंग इनकी हो सकती है, बाकी बेचारे दो है ना, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, इनको कोई सबका खैरात की जरूरत है, क्योंकि ये इतने मनुष क्यों चल रहे हैं कि इनके ना सेटिंग हो रही है ना शादी हो रही है, कार्ड ही नहीं आ रहे हैं। चलेंगे ये उनसा, ये कल आपसे पूछेंगे आखिर वजह इसकी क्या है। इंशाल्लाह आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।